हेलो एवरीवन, और फिर से आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ कान्हा जी के लिए मुकुट। अभी जन्माष्टमी 2 दिन पे ही है, और वैसे तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी ब्यूटीफुल जो साज होता है कान्हा जी का वो मिल जाता है, लेकिन मुकुट जो है वो मुझे घर पे ही बनाना अच्छा लगता है। और मेरे पास मटेरियल भी अवेलेबल है। एक्चुअली आप भी इसे बड़े आसानी से बना सकते हो। अभी बच्चों के वजह से घर में कुछ ना कुछ डेकोरेटिंग मटेरियल तो रहता ही है, तो उसका यूज़ करके आप इस मुकुट को घर पे बना सकते हो। बहुत ही आसान है, 10 मिनट में बन जाएगा, और मुझे ना ये अच्छा भी लगता है। जो चीज़ें मार्केट से लाते हैं वो तो हम लाते ही है, जैसे हम हर साल कान्हा जी के लिए नए वस्त्र लाते हैं सॉरी, और जो चीज़ें हम नहीं बना सकते वो तो मैं मार्केट से लाती हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं घर पे बना सकती हूँ ना, उसे मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं मेरे हाथों से ही बनाऊँ। तो मुकुट मुझे आता है, तो इसलिए मैं अभी आपके साथ भी उसे शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सिंपल है, आप भी इसे घर पे बना पाओगे। तो चलिए फिर मुकुट बनाते हैं। तो ये देखिए, ये है क्विलिंग पेपर। मेरे पास तो ये अवेलेबल है, इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप नॉर्मल जो नोटबुक का कागज़ होता है उसे इस तरीके से कट करके ले सकते हो। पेपर आप यूज़ मत करना, पेपर बहुत पतला रहता है, ये थोड़ा सा थिक रहता है। तो इसका कंपैरिजन जो हमारी नोटबुक होती है उसके पेजेस से हो सकता है, तो उसे आप इस तरीके से कट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने एक क्विलिंग पेपर ले लिया है, और अभी मैं उसे रोल करूँगी। इसकी एक रोलिंग पिन भी आती है, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ये नहीं होता है हाथ से, तो आप यहाँ पे टूथपिक या पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो इसे रोल करने के लिए। और एक पेपर को रोल करने के बाद इसमें मैं दूसरा पेपर भी स्टिक करूँगी, तो जो छोटा सा पोर्शन बचा है उसे मैंने लगा लिया है ग्लू, और अभी क्विलिंग पेपर में उसे स्टिक करके फिर से उसी तरीके से रोल करते जाऊँगी। तो इस तरीके से मैं 3 से 4 पेपर को रोल कर लूँगी। अभी तो मैं 2 पेपर स्टिक कर चुकी हूँ, तीसरा भी पेपर स्टिक कर लेंगे। और तीसरा पेपर स्टिक करने के बाद फिर मैं इसका साइज़ चेक करूँगी, क्योंकि हर किसी के यहाँ के कान्हा जी का मतलब सर का जो मुकुट का साइज़ होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो आप आपके हिसाब से आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा कि वो अच्छे से बैठ रहा है, इतना परफेक्ट है कि बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। तो आपके हिसाब से इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो। छोटा चाहिए तो आप कम क्विलिंग पेपर लगाइए, और बड़ा चाहिए तो इस तरीके से एक के ऊपर एक आप स्टिक कर सकते हो और इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। तो मुझे अभी ये छोटा लग रहा था, तो मैंने एक पेपर और उसमें लगा दिया, और अभी मैं फिर से चेक करूँगी, देखती हूँ कि ये परफेक्ट बैठता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आप इसमें से आधा कट करके भी लगा सकते हो। जैसे मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसमें से मैंने जो आधा क्विलिंग पेपर है वो कट कर लिया है, और फिर से उसे रोल कर लिया है। अभी ये परफेक्ट हो गया है, और अभी मैं करूँगी इसे डेकोरेट। डेकोरेट करने से पहले जो हमने इसे पुश किया था, रोल करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा अप साइड ऊपर के साइड पुश करना है, ताकि इसे एक मुकुट जैसा शेप मिले, तो वो मैंने कर लिया था, और उसे मैंने ग्लू लगा के अच्छे से स्टिक कर लिया है। और उसे हमें 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। अभी उसका साइज़ जो है वो ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास तो मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी स्टोन चेन, गोल्डन चेन, मोती चेन अवेलेबल थी, तो मैं उसका यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा उससे भी इसे बना सकते हो। तो पहले यहाँ पे मैंने मिडल में एक रेड स्टोन लगा लिया है, और उसके साइड से अभी मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे चेन लगाने हैं। जैसी अच्छी लगेगी या जैसे कंफर्टेबली बैठती है उस पर, उस टाइप से मैं इस पर चेन लगा लूँगी। तो पहले मैं लगाऊँगी स्टोन चेन। तो स्टोन चेन को लगाने से पहले हमें उसका साइज़ मेजर करना पड़ेगा, कि किस साइज़ का स्टोन चेन उसे अच्छे से बैठता है। आप अगर मोती या कोई भी चीज़ लगाते हो, आप पहले साइज़ देख लो, उसके हिसाब से फिर कट करो और फिर उसे स्टिक करो। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्टोन चेन को अच्छे से स्टिक कर लिया है, और इसके बाद मैं अभी एक के बाद एक चेन्स लगाते जाऊँगी। एक बार में ही इसके साइज़ चेक नहीं करने हैं, एक के बाद एक चेन लगानी है, फिर से साइज़ चेक करनी है, मेजर करना है कि कितना चेन उस पर बैठ रहा है, और उस हिसाब से कट करना है। तो अभी तो मैं इसी तरीके से, ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे लगा लिया है एक के ऊपर एक। मैंने एक स्टोन चेन लगा ली है, और उसके बाद 2 लेयर मैंने गोल्डन चेन की लगा ली है। इसी तरीके से मैंने एक के बाद एक चेन्स को चढ़ा दिया है,
और अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा मुकुट बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं लास्ट में चेक करूँगी कि वहाँ पे बड़ा मोती बैठता है या फिर छोटा गोल्डन मोती। तो ऊपर साइड भी मैं मोती ही लगाने वाली हूँ, तो पहले मैं उसके लिए चेक कर लूँगी कि कौन सा मोती यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है। तो ये वाला जो मैंने गोल्डन मोती लिया है ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो मुझे इससे थोड़ा सा छोटा चाहिए। तो छोटा अगर मुझे मोती लगाना है तो उसके लिए मुझे अभी उसका साइज़ भी देखना पड़ेगा। साइज़ के हिसाब से ना हमको समझ में आ जाता है कि हमको किस तरीके का मोती या स्टोन लगाना है, उसके ऊपर चेन लगानी है, फिर उसके बाद मोती लगाना है। तो ये हम करते करते हमको समझ में आता है। ऐसे मैं आपको बताऊँगी कि 4 लेयर चढ़ाने के बाद आप मोती लगा सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे मुकुट मेरा बन चुका है और बहुत सुंदर लग रहा है मुकुट और परफेक्ट बैठा है। थोड़ा सा बड़ा तो होता ही है मुकुट, आप आपके हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो इसे। तो मुझे तो ये परफेक्ट लगता है क्योंकि बाकी सब कान्हा जी का जो वस्त्र होते हैं वो भी बड़े ही होते हैं, तो उसके हिसाब से मुकुट भी थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए। तो मुझे ये परफेक्ट लग रहा है और बहुत सुंदर बनता है। 10 मिनट में ही बन गया था मेरा मुकुट। तो आप ना आपके हिसाब से यहाँ पे इसे सजा सकते हो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके पहले भी मैंने मुकुट बनाया था लेकिन वो बड़ा मुकुट है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने बापा के लिए ये वाला मुकुट बनाया था, ये थोड़ा सा बड़ा मुकुट है। और लेकिन इसमें जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्विलिंग पेपर ही यूज़ किया है। और अगर यहाँ पे भी आपके पास क्विलिंग पेपर नहीं है तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसे कागज़ से भी बना सकते हो, तो ये मैंने कागज़ का बना के रखा है। ये मुझे और भी कई चीज़ों के लिए लग सकता है तो तब मैं ये यूज़ करूँगी। और आपने देखा मैंने किस तरीके से उसे पुश किया है, तो सेम उसी तरीके से मैंने जो अभी आपको मुकुट दिखाया वो मैंने ऐसे ही बनाया है। और बैक साइड में ये जो मैंने लगाया है वो ग्लिटर पेपर है। हाँ, यहाँ पे मैंने मटेरियल थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था। तो लास्ट ईयर पापा को ये मैंने पहनाया था और उसके बाद तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो ऐसे ही रखने से ये ख़राब तो नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इस साल भी मैं पापा को यही मुकुट डालूँ, या तो फिर अगर मैं दूसरा बनाती हूँ तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है मेरे छोटे से 2 मुकुट जो कि मुझे बहुत मज़ा आया है बनाते हुए और बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब आप इसे पूरा तैयार होने के बाद कान्हा जी को या पापा को पहनाओगे ना तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। तो दोस्तों, आपको ये मेरे प्यारे से छोटे से मुकुट कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना, बहुत सिंपल है। आपके पास 1-2 सिंपल चेन भी अगर मटेरियल अवेलेबल है ना तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। हाँ, मैं समझती हूँ इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल चाहिए। अगर आपको भी ये देखना हो कि ये कैसे बनाते हैं तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने जो ग्लिटर पेपर यूज़ किया है वो भी आपको आसानी से मिल जाता है। तो बस यही थी मेरी कान्हा जी के लिए बनाने वाले मुकुट। तो सॉरी, बट गिरने से भी ये टूटता नहीं है, यही इसकी खासियत है। आपसे ये गिर भी जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये टूट जाएगा। ये भी सिंपल, ये तो ग्लिटर पेपर लगाया है इसलिए थोड़ा सा नाजुक है, बाकी ये वैसा ही है जैसा कि ये है। ये छोटा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। तो आपको ये छोटे से प्यारे से मुकुट कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।